हम उसका दोस्तों देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ स्पीकर है। देखिए ये स्पीकर के जो प्रॉब्लम है इसमें, देखिए यहाँ पर जो चार्जिंग का सॉकेट था ये ख़राब हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो चार्जर का सॉकेट था ये अंदर चला गया है। इसको रिपेयर करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो भी ऑन नहीं हो रहा है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए, तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है और ये चार्जर का जो पिन है ये अंदर चला गया है। तो इसको हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ है। तो देखिए इसको मैंने खोल खोल दिया है। देखिए इसको मैंने खोल लिया है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ में खराब हुआ है, कौन कौन सा चीज़। तो इसके लिए पहले कैबिनेट से बाहर हम निकाल लेंगे इसको, कैबिनेट को साइड में कर देते हैं। इसके बाद इसको एक बार चला के देखेंगे। तो देखिए ये जो पिन है यहाँ पर, देखिए ये चार्जिंग का पिन टूट गया है इस बोर्ड में, बोर्ड से निकल गया है। देखिए यहाँ पर थी, यहाँ से ये चार्जर पिन निकल चुका है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर फिर से सेट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर सेट किया, लेकिन इसमें चार्ज होता कि नहीं होता अब देखेंगे। इसको बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये ऑन हो गया है। इसका जो चार्जिंग का लाइट है वो खराब हो चुका है। तो देखिए ये अब ऑन हो चुका है। तो हम चार्जर के अगर खोल लेंगे तो देखिए ये ऑफ हो जाएगा। देखिए देखिए जैसे ही चार्जर को निकाल दिया अब ऑफ हो गया। तो चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, इसमें चार्ज होगा। इसमें जो चार्जर का प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पर बैटरी में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 वोल्ट आउटपुट हम चेक कर लेंगे या फिर 5 वोल्ट, अब 4-5 वोल्ट आउटपुट देगा। तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। इसके मतलब इसका चार्जर का पिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।